आई स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर. हाउ मैनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर इफ दे वॉन्ट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर. विच आर द मंथ फॉर प्रिंटिंग, मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ. ओके, सो एक स्कूल है, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी मैगजीन हर क्वार्टर, एक साल के एक क्वार्टर में वो निकालेंगे. क्वार्टर मीन्स होता है 1/4. ओके, सो 1/4 मंथ में, मतलब हर 3 महीने में वो मैगजीन निकालना चाहते हैं. सो हाउ मैनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, तो वो एक साल में कितनी मैगजीन निकालेंगे. इफ़ दे वॉन्ट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर ईच क्वार्टर के एंड में मैगजीन प्रिंट करना चाहते हैं, तो विच आर द मंथ फॉर प्रिंटिंग, तो कौन से मंथ होंगे जिनमें वो प्रिंटिंग करवाएंगे. मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ, तो उन नंबर्स को हमें मार्क करना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो सबसे पहले हमें ईयर का 1/4 निकालना पड़ेगा. सो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, सो चलिए निकालते हैं क्वार्टर ऑफ ईयर. क्वार्टर ऑफ ईयर इक्वल टू 1/4. सो 1/4, एक साल का 1/4 निकालना, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं. सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12. सो 4 1 4, 4 3 12. सो क्या हो गया, इसमें हर क्वार्टर मंथ में निकलती है, मतलब हर थ्री मंथ में इनकी मैगजीन निकलती है. सो आंसर है 3 मंथ. सो अब हम हर 3 महीने का हम देखते हैं कि कितना होता है. ओके, कौन कौन से मंथ में ये अपनी मैगजीन प्रिंट करते हैं. सो हर 3 मंथ के हिसाब से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3. सो ये 3 कट कर लीजिए, ये हो जाएगा मार्च. आफ्टर दैट 1 2 3 6 कट कर लेंगे, इसके बाद 7 8 9 9 भी कट, 11 12. सो 12 में अब कट हो जाएगा. सो हर मार्च में, जून में, और ये सितंबर में, और इसके बाद दिसंबर में इनकी मैगजीन प्रिंट होगी. ओके, सो आंसर इज दिस. ओके, सो लेट्स कम अबाउट स्लीपिंग ब्यूटी. हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्णा, द ब्रदर ऑफ रावणा, ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर. तो आपने कभी कुंभकर्ण के बारे में सुना है? आपको तो मम्मी पापा ने बोला होगा, जब ज़्यादा देर तक सोते हो तो बोलते हैं ना मम्मी पापा कि कुंभकर्ण हो. बिल्कुल. सो कुंभकर्ण कौन था? ब्रदर ऑफ रावण. ओके, सो ही व्हाट फॉर ही इज फेमस फॉर, वो अपनी स्लीपिंग के लिए, अपनी नींद के लिए बहुत फेमस था. वो साल के आधे दिन सोता था. ओके, 6 मंथ वो सोता था, 6 मंथ वो जागता था. सो साल के आधे दिन वो सोता था, इसकी वजह से वो बहुत फेमस था. सो क्वेश्चन इज दैट मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इट इज इट. सो अगर 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 1/24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना. सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 24, सो 8 1 8, 8 3 24. सो ये क्या हो गया, 1 डे का 1/3 पार्ट हो गया सोने के लिए. 1/3 पार्ट वी आर स्लीपिंग इन अ डे. आफ्टर दैट, सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर. सो अगर एक ही इंसान है वो 60 साल का है, तो उसने अपनी ज़िंदगी में कितने दिन सोया है. सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, एक दिन का तो हमने निकाल लिया था, 1/3 पार्ट हम सोते हैं. सो 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू 3 1 3 3 2 6. सो एक आदमी जो 60 साल का है, वो अपनी ज़िंदगी में औसत एवरेज 20 ईयर्स सोया है. ओके, सो 20 ईयर्स उसके सोने में गए हैं. ओके, सो आंसर इज दैट. आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू कीर्ति शॉपिंग लिस्ट. तो ये कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट दी हुई है. आप ऊपर देखेंगे येलो कलर से आइटम के नाम भी लिखे हुए, जैसे टमेटो, पटेटो, अनियन, कैरेट, गार्ड, तो पर केजी रुपीज़ भी लिखा हुआ है, इसमें रेट लिखा हुआ है. सो लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट. आप वो येलो लिस्ट देख कर ही यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है. ए, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमेटो कॉस्ट. सो 2 kg टमेटो कॉस्ट क्या होगी, 1 kg का क्या है, 12 है. सो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 में, 12 2 24. सो क्या हो जाएगा, 24 रुपीज़ पर 2 kg. ओके, आफ्टर दैट बी, हाउ मच डज
1/2 kg ऑफ टमेटो टमेटो कॉस्ट, तो टमेटो की कॉस्ट है 12 रुपीज़ ना, सो हम इनका मल्टीप्लाइड करेंगे 1/2 से, 2 1 2 2 6 12, सो 6 रुपीज़ हाफ के जी ऑफ टमेटो कॉस्ट हो जाएगी, आंसर इज 6 रुपीज़। ओके सी, किरण वॉन्ट्स 1/2 kg, सो 2.5 किलो उसको टमेटो चाहिए, हाउ मच विल इट कॉस्ट, तो 2 kg की हम निकाल ली थी और हाफ के जी की भी निकाल ली थी, अगर दोनों को प्लस कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा, तो इसका क्या निकला था 2 kg का 24 और इसका हाफ के जी का निकला था 6, सो 24 प्लस 6 रुपीज़ क्या हो जाएगा 30 रुपीज़, सो 2.5 किलो टमेटो कॉस्ट इज 1/2 kg ऑफ टमेटो कॉस्ट इज 30 रुपीज़। ओके सो डी, हाउ मच डज 1/2 kg पोटेटो कॉस्ट, तो 3.5 kg का पोटेटो की कॉस्ट क्या होगी, सो पोटेटो की वैसे रेट क्या है 10 रुपीज़, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 30 रुपीज़ तो ये आ गया, और हाफ के जी का कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सो 2 5 10, सो क्या हो जाएगा 30 + 5 रुपीज़ इक्वल टू 35 रुपीज़ हो जाएगा, सो आंसर इज 35 रुपीज़ इज द 1/2 kg पोटेटो कॉस्ट। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट, ओके तो इस हिसाब से आप भी ये कैरेट और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं, सो ये जो ई एफ जी एच है ये आप खुद से करके रखेंगे, और ये जो आइटम का लिस्ट दिया